तुझे न पूछो कि क्या क्या चू मिलेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चू मिलेंगे, बाग जन्नत का नक्शा चू मिलेंगे, बाग जन्नत का नक्शा चू मिलेंगे, लेके तकदीर को कितने मोहर ले, उनका नूरानी रोजा चूम ले, ये न पूछो कहाँ क्या चूम लेंगे। एक बंदिल भाई बतौरे खास मुजाहिद भाई समाज फरमा ले कि मरहबा सल्लेला, अरे बोलो सुभान अल्लाह, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोदी में लेके उन्हें पिहली मान कहा, गोदी में लेके उन्हें पिहली मान कहा, मरहबा सल्ले मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें पिहली मान कहा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें पिहली मान कहा, इसी तरह का झूला आपकी मोहब्बतों का, ये ना पूछो कि क्या क्या चुम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंद और पढ़ के उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मौलाना अकरामुल हक ऐनी साहब जो रांची से आए हुए हैं उनको भी सुनना है, पेश करता हूँ एक बंद बतौर खास राजा कर ले। बोले जहरा के ललन, बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन, शमशेर जी आपने भी अर्ज किया कि भाई मौलाना इकरामुल हक साहब ऐनी रांची से आए, अल्लाह से दुआ करे कि मौलाना रांची से आ गए लेकिन ये लोग रांची न जाए। अल्लाह अल्लाह, बहुत मशहूर जगह है वहाँ पे। पेश करता हूँ मुलादा कर ले कि बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन, बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, बोले जहरा के ललन है मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा फखर ज़मन, उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या लेंगे। मुझे लग रहा है कि आज जलसे का प्रोग्राम नहीं, मुशायरे का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा फिर मजमा खत्म हो जाएगा, फिर दिल भाई को आना पड़ेगा। एक बात बता दे शमशेर साहब, जो सुनने वाले लोग हैं इंशाल्लाह वो रहेंगे, जाने वाले लोग को नहीं रोक सकते आप। एक हमारे महमूद साहब का हुक्म हुआ था एक कलाम पढ़ने का, बिल्कुल बिल्कुल, एक मतलब दो बार पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा कर ले, मुझे भाई देखेगा मतलब ये हम देखेंगे नहीं सुनेंगे। घूसे चरागे काबा जलाया हुसैन ने, हाय हाय बचपन का खूब वादा निभाया हुसैन, निभाया हुसैन ने, घूसे चरागे काबा जलाया हुसैन ने, बचपन का खूब वादा निभाया, निभाया हुसैन ने, ऐसी नमाज
सजदा किया तो सेना उठाया हुसैन। यहाँ से मतलब पेश करता हूँ राजा कल्ले कि अल्लाह अल्लाह वो हुसैन अल्लाह 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 वो हुसैन सैयदा के नूरे हैं। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफा के दिल का चैन। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन जाने शाहे मशरकैन। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन जाने शाहे मशरकैन। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुर्तजा के दिल का चैन। सुए करबल सुए करबल हुआ जो रवाना सुए करबल हुआ जो रवाना वो है हजरत अली का घराना घराना वो है हजरत अली का घराना वो है हजरत अली का घराना घराना वो है हजरत अली का घराना। और एक बंद पेश करता हूँ उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है इनकी भी दुआएं पेश करता हूँ मुरादा कर ले सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर जिनके दर के है दरबान जिन्नो बशर। सैयदा फातिमा के हैं लखते जिगर जिनके दर के है दरबान जिन्नो बशर। कर दिए जिनके नाना ने टुकड़े कमर कर दिए जिनके नाना ने टुकड़े कमर जिनके बाबा से थर्राए खैबर का दर जिनके बाबा से थर्राए खैबर का दर। जिनकी सूरत है नूरानी जिनकी सीरत है कुरानी जिनकी सूरत है नूरानी जिनकी सीरत है कुरानी जिनपे कुर्बानी सारा जमाना वो है हजरत अली का घराना घराना वो है हजरत अली का घराना। आखिरी बन अली का घराना आखिरी बन पेश करता हूँ बतौर खास मुजाहिद भाई बतौर खास समाज फरमा ले कि वो है हजरत अली का घराना घराना वो है हजरत अली का घराना। ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा सुने दोस्तों क्या कहा पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा अम्मी जाज हम दोनों पहनेंगे क्या। ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा अम्मी जाज हम दोनों पहनेंगे क्या। रो पड़ी फातिमा हुक्म रब का हुआ रो पड़ी फातिमा हुक्म रब का हुआ। खुल्दी से जोड़े जिब्रील ले करके जा खुल्दी से जोड़े जिब्रील ले करके जा बागे जन्नत के वो फूल वो नवासा है रसूल बागे जन्नत के वो फूल वो नवासा है रसूल। कैसे पहने के कपड़ा पुराना वो है हजरत अली का घराना घराना वो है हजरत अली का घराना।